मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भाजपा नेता अमित शाह को तानाशाह बताते हुए कहा कि इन लोगों का विपक्ष के लिए लोकतंत्र की हत्या करना अपनी जगह है, ये तो अपनी ही पार्टी के अंदर भी तानाशाही चला रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी का बड़ा दावा है कि इस लोकसभा चुनाव में कांग्रेस एमपी में 6 से 4 सीटें जीतेगी। उन्होंने कहा इस बार हद दर्जे की अराजकता प्रदेश में देखी गई, पूर्व मुख्यमंत्री के घर छापे डाले गए, ये इससे पहले कभी किसी राज्य में नहीं हुआ। कांग्रेस के लोगों को भाजपा में ज्वाइन कराने के पीछे ये मैसेज था कि हमारे पास प्रशासन है, उसका हम दुरुपयोग करेंगे। रेत परिवहन वाले लोग जिन्हें डराया जा सकता था उन्हें ले गए। पटवारी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा और कहा ये लोग डिक्टेटरशिप करते हैं। अभी जो चुनाव हुए वो शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पर हुए, मोदी की गारंटी पर हुए। रिजल्ट आए तो शिवराज सिंह को नहीं बल्कि चौथी लाइन में बैठे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना दिया गया। ये डिक्टेटरशिप थी। विपक्ष के लिए लोकतंत्र की हत्या करना अपनी जगह, पर अपनी ही पार्टी के अंदर भी तानाशाही चल रही है। ये डिक्टेटर लोग हैं। अभी देखो कि जब चुनाव हुए थे तो शिवराज सिंह के चेहरे पर, लाडली बहना की स्कीम पर, मोदी गारंटी आई, उसमें संलग्न थे, किसानों को भी उन्होंने अटैक किया। जब रिजल्ट आया उसके बाद शिवराज जी को नहीं रखा, उन्होंने कहा कि कोई चौथी लाइन में बैठा उसको चिट्ठी या मुख्यमंत्री बना दिया। डिक्टेटरशिप ऐसा ही राजस्थान में किया, ऐसे ही छत्तीसगढ़ में किया। ये मैसेज क्या है? ये मैसेज ये है कि बाहर लोकतंत्र, विपक्ष के लिए लोकतंत्र की हत्या करना अपनी जगह है, अंदर भी करेंगे तानाशाही। ये मैसेज है, ये भाषा वो बोलती है, अमित शाह की भाषा ये बताती है कि हम तानाशाह हैं, अगर गड़बड़ की तो फिर याद रखना हमारी विचारधारा कौन सी है, ये बताया अमित शाह। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।